करीब हो जाता है, कहो सुभान अल्लाह। एक होता है फर्ज इबादत और एक है नफली इबादत। कोई भी बंदा फर्ज इबादत के जरिए अल्लाह का वली नहीं बन सकता है। पांच वक्त की नमाजें हम पर फर्ज हैं, रमजान के महीने का रोजा हम पर फर्ज है, अगर अल्लाह ने इस्तेदात दी है तो हज करना हम पर फर्ज है। कोई बंदा अगर चाहे कि मैं नमाज पढ़कर अल्लाह का वली बन जाऊं, मैं रमजान के रोजे रखकर अल्लाह का वली बन जाऊं, मैं जिंदगी में एक बार हज को अदा करके अल्लाह का वली बन जाऊं, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अपने महबूब की जुबानी फरमाता है, यतकर्रमु इलैया अब्दी बिन नवाफिल, मेरा बंदा जब रमजान के रोजे के अलावा नवाफिल रोजों में मशगूल हो जाए, मेरा बंदा जब दिन में पांच वक्त के नमाजों के अलावा कसरत के साथ नफिल नमाजों में मशगूल हो जाए, मेरा बंदा जब सदका खैरात रमजान में ज़कात की शक्ल में देने के अलावा नफली सदकात की तरफ माइल हो जाए, तब जाकर उस बंदे को मैं अपना महबूब बना लेता हूँ, मैं अपना दोस्त बना लेता हूँ, फिर उस बंदे को मैं विलायत का दर्जा अदा कर दिया करता हूँ। अब जरा सुनो अल्लाह क्या फरमा रहा है, यतकर्रबु इलैया अब्दी, मेरा बंदा। यहाँ पर एक बहुत सुनहरा नुक्ता है जिसकी तरफ हमारे उलमा ने इशारा, बंदा हूँ बिलाशुबा हर एक के पास दावा तो है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आज मुफ्ती कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूँ, सैद कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूँ, बंदा हूँ जो जिंदगी देने वाला है, जो मौत देने वाला है, मैं उस अल्लाह का बंदा हूँ जो रोजी देने वाला है, मैं उस अल्लाह का बंदा हूँ जो पूरब से सूरज को निकालता है तो पश्चिम में डुबो देता है, मैं उस अल्लाह का बंदा हूँ जो इंसान को रिस्क देने वाला है, पानी देने वाला है, औलाद की नेमत देने वाला है। दुनिया का हर कोई कह रहा है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, कमाल ये नहीं है कि हम कहें आप कहें मैं अल्लाह का बंदा हूँ, कमाल तो उस वक्त है जब अल्लाह कहे ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है, इससे मैं मोहब्बत करता हूँ, इससे मोहब्बत किया करो। कमाल उसी वक्त है, और हदीस पाक में उसे नुक्ते की तरफ इशारा किया गया है, यतकर्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल, रब फरमाता है कि जब कोई बंदा कसरत के साथ नफल इबादत करता है तो वो मेरा बंदा बन जाता है, वो मेरा खास बंदा बन जाता है, मैं उसको विलायत का दर्जा अता फरमा दिया करता हूँ। और जरा सुनो, जब वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन गया, जब अल्लाह ने उसे अपना महबूब बंदा बना लिया, उसको विलायत का दर्जा अदा कर दिया, तो जाहिर सी बात है इंसान दुनिया के दस्तूर, दुनिया का दस्तूर ये है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर बात को माना भी करता है। एक बाप के अगर पांच बेटे हो जाएं तो हर बेटा बाप की निगाह में सबसे ज्यादा महबूब नहीं हुआ करता है, कोई एक होता है जिसके बारे में बाप फख्र करता है कि ये मेरा बेटा है। हर बेटे का दावा तो यही होता है कि ये मेरे बाप हैं, ये मेरे बाप हैं, ये मेरे बाप हैं, लेकिन बाप किसी एक मखसूस बेटे के बारे में कहता है ये मेरा बेटा है, ये मेरा ख्याल करता है, अपनी माँ की खिदमत करता है, बड़ों का अदब करता है, तहजीब के दायरे में रहता है। किसी एक बेटे के बारे में बाप ये कहता है ये मेरा बेटा है और फख्र भी करता है, तो जब बाप उस बेटे पर ट्रस्ट कर लेता है, भरोसा कर लेता है, अपना खास बना लेता है, फिर वो बेटा जो भी कहता है बाप उसकी हर बात को माना करता है, बेटा मशवरा देता है, बाप उसको कबूल करता हुआ नजर आता है। बिला शुबा मुझे कहने की इजाजत दे दी जाए, मैं कहना चाहूंगा जब अल्लाह ने अपने कुछ बंदों को मखसूस कर लिया और दिया ये मेरा बंदा है, अल्लाह उन बंदों पर एतमाद कर ले, भरोसा कर ले, फिर वो बंदा अल्लाह की बारगाह में जो भी दुआ करता जाएगा अल्लाह उसकी हर दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया करेगा। यही तो वजह है, यही तो वजह है जब मदीने वाले आका के बारे में परवरदिगार आलम ने फरमाया ये मेरा बंदा है, तो मोहम्मद अरबी ने उंगली से इशारा किया तो जान दो टुकड़े होता हुआ नजर आया। जब अल्लाह तबारक व तआला ने मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तजा के बारे में फरमा दिया ये अली मेरा बंदा है, तो मौलाए कायनात मकाम सहबा में थे, सूरज गुरूब हो चुका था, मौलाए कायनात की असर की नमाज छूट चुकी थी, तो